हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल रेशियो से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेग रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। पेग रेशियो का पूरा नाम प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो है। लास्ट टाइम जब हमने पीई रेशियो के ऊपर वीडियो बनाया था तो उस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना था कि जिस कंपनी का पीई रेशियो कम होता है वो कंपनी सस्ती होती है, और जिस कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा होता है इट मींस वो कंपनी महंगी होती है। पर क्या सिर्फ पीई रेशियो को ध्यान में रखते ही हमें किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जिस कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं होता उस कंपनी के भी पीई रेशियो कम होते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीई रेशियो को ही ध्यान में रख के शेयर को खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम रॉन्ग शेयर को पिक कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हमें पीई रेशियो के साथ साथ पेग रेशियो को ध्यान में रख के कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये पेग रेशियो क्या है और ये किस तरह से हमें किसी भी कंपनी को चूज करने में मदद करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पेग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब है कंपनी अपने प्रॉफिट को कितने अच्छे तरीके से बढ़ा रही है या फिर किस स्पीड में कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। पेग रेशियो को समझने के लिए हम एक कैलकुलेशन की मदद लेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए दो केसेस लेने वाले हैं। पहले केस में मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका पीई रेशियो 50 का है। इस कंपनी ने लास्ट ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था जबकि करंट ईयर में इस कंपनी ने 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर की तुलना में कंपनी ने इस साल में 50% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। वहीं सेकंड केस में हम एक और कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। इस कंपनी का पीई रेशियो 30 का है। लास्ट ईयर में इस कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था जबकि करंट ईयर में इस कंपनी ने 120 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। सो यहां कंपनी ने अपने लास्ट ईयर की तुलना में इस साल में 20% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। सो अगर हम इन दोनों ही कंपनी का पेग रेशियो निकालना चाहें तो यहाँ पर पहले कंपनी का पेग रेशियो 1 का आता है जबकि दूसरे कंपनी का पेग रेशियो 1.5 आता है। सो इस केस में हमें पहले कंपनी का पेग रेशियो दूसरे कंपनी के पेग रेशियो की तुलना में कम नजर आ रहा है। पीई रेशियो की तरह ही जिस भी कंपनी का पेग रेशियो कम होता है वो कंपनी सस्ती होती है और जिस भी कंपनी का पेग रेशियो ज्यादा नजर आता है वो कंपनी महंगी होती है। सो इस केस में हम देख सकते हैं पहली कंपनी का पीई रेशियो 50 था लेकिन वही पेग रेशियो ओनली 1 का है जबकि सेकंड कंपनी का पीई रेशियो 30 का था लेकिन पेग रेशियो 1.5 का है। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीई रेशियो के बेसिस पे शेयर को खरीदते तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सेकंड कंपनी को पिक करते, लेकिन जैसे ही हमने पेग रेशियो को कैलकुलेट किया यहाँ पर हमें पहली कंपनी सस्ती नजर आ रही है। तो अब हम किस कंपनी को पिक करें? सो दोस्तों, किसी भी कंपनी को पिक करते वक्त आप किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल रेशियो को ध्यान में रख के किसी भी कंपनी को पिक नहीं कर सकते। आपको कई तरह के फाइनेंशियल रेशियो को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो कंपनी सबसे बेस्ट नजर आती है उस कंपनी को आप पिक कर सकते हैं। आइडल पेग रेशियो की बात करें तो अगर कोई कंपनी का पेग रेशियो आपको 1 से कम देखने को मिलता है इट मींस वो कंपनी अंडरवैल्यूड है। अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो आपको 1 देखने को मिलता है इट मींस वो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। और अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो आपको 1 से ज्यादा देखने को मिलता है इट मींस वो कंपनी ओवरवैल्यूड है। पीई रेशियो के तरह ही पेग रेशियो में भी अगर आप किसी कंपनी का पेग रेशियो किसी और कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको उसी इंडस्ट्रीज के बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करना है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पेग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम इस चैनल पे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।